हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जॉन इब्राहिम की आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते के 2 के ट्रेलर के बारे में, जो कि आज रिलीज किया गया है। ट्रेलर देख के आप ये कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर पॉलिटिक्स, देशभक्ति सबका तड़का लगाया गया है। उसके अलावा फिल्म के अंदर जो आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगेगा वो यह है कि जॉन इब्राहिम के 2 जुड़वा भाई, यानी जॉन इब्राहिम खुद और उसका एक और भाई, उसके अलावा मूछे लगाया हुआ जॉन इब्राहिम का बाप भी खुद जॉन इब्राहिम है। अब बोलो, ये बात ऑडियंस के पेट में पचेगी क्या? नहीं भी पचेगी तो ऑडियंस को पचानी पड़ेगी, क्योंकि भाई ट्रेलर में एक सीन है जिसके अंदर जॉन इब्राहिम को जब गुस्सा आता है तो वो जोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हैं, और विश्वास नहीं होगा कि टेबल टूटकर दूसरी तरफ जा गिरती है। बताइए आप, यह सीन आपको ऐसा लगेगा कि साउथ की फिल्मों की कॉपी है, पर जॉन इब्राहिम साहब की इतनी बॉडी है कि आपको यकीन हो जाएगा कि वो टेबल तोड़ सकते हैं। बाकी बात करें फिल्म की ट्रेलर से उसकी कहानी के बारे में, तो कहानी में देशभक्ति का तड़का डाला गया है, पॉलिटिक्स दिखाई गई है, 2 भाइयों की टकराव और उसको उनको समझाने में लगे उसके पिता दिखाए गए हैं। ट्रेलर देख के यह लगता है कि फिल्म को उस फ्लैशबैक में भी लेके गया, फ्लैशबैक में भी कहानी को ले जाया गया है, जहां पर जॉन इब्राहिम के पिता का रोल करने वाले जॉन इब्राहिम की कहानी है। अब इस टाइप की फिल्मों में हीरोइन वगैरह का ज्यादा रोल नहीं होता है। हालांकि पिछली बार जब सत्यमेव जयते आई थी तो वह फिल्म इसलिए ज्यादा दमदार थी क्योंकि उसमें यह मूछों वाला रोल मनोज वाजपेयी ने किया था, जो कि बॉलीवुड के टॉप टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है और लगभग आधी से ज्यादा फिल्म में उनका भी रोल था। पर इस बार आपको पूरी फिल्म में सिर्फ जॉन इब्राहिम, भाई जॉन इब्राहिम और बाप जॉन इब्राहिम तीनों देखने को मिलेंगे, और बाकी जॉन इब्राहिम की बॉडी तो माशाल्लाह, उसके तो सब फैन है ही हैं। पर बात हो रही है यहाँ कहानी की, तो ट्रेलर से कहानी का अंदाजा लगा के कहा जा सकता है कि फिल्म की कहानी में ज्यादा दम नहीं है, कहानी औसत ही होगी। लेकिन अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं, कुछ एक एक्शन जिसमें एक सीन में सलमान जॉन इब्राहिम मोटरसाइकिल पर बैठे आदमी को अपने दोनों हाथों से उठाकर फेंकते हैं, वह सीन आपको शायद पहली बार ही किसी फिल्म के अंदर देखने को मिले। मोटरसाइकिल उठाते हुए जॉन इब्राहिम इससे पहले फोर्स में भी देखे गए हैं, लेकिन उससे उसके आदमी इस बार ही बिठाया गया है। तो यह थी बात सत्यमेव जयते के 2 के ट्रेलर के बारे में। जल्दी मिलेंगे नए किसी फिल्म रिलीज या ट्रेलर की रिव्यूज के बारे में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।